वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर मनी लेकर आई हूँ। मनी चैप्टर में बच्चों को किस तरीके से रुपीस, पैसे, इन सब के बारे में कैसे लिखा जाता है, कैसे हम प्लस करते हैं, ये सब बताया जाता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी। मनी जो आपके टू टाइप्स के होते हैं, करेंसी नोट्स और कॉइन्स। करेंसी नोट्स मीन्स जो हमारे पेपर वाले जो नोट होते हैं उनको करेंसी नोट्स बोलते हैं, और कॉइन्स जो सिक्के होते हैं। कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल्स। जो कॉइन्स होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 50 पैसे यानी 50 पैसे, रुपी 1, रुपी 2, रुपी 5, रुपी 10। पुराने टाइम में 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के भी कॉइन्स हुआ करते थे, बट वो अब नहीं चलते। करेंसी नोट्स आर मेड ऑफ पेपर। जो करेंसी नोट्स होते हैं वो पेपर के बने होते हैं। अब बात आती है कि रुपीस को कैसे नोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 रुपी लिखा है, तो बच्चों को इस तरीके से आप लिखकर बताएं। ये इसका सिंबल होता है रुपी का। पहले इस तरीके से लिखा जाता था, अब हम इस तरीके से नोट करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहले इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था, तो अब ये नोट नहीं यूज होता, अब इस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 1 रुपी की हम बात कर रहे थे, तो रुपी को इस तरह से डिनोट करेंगे 1.00। उसके बाद 2 रुपी, तो पहले सिंबल बनाएंगे फिर 2.00। तो इस तरीके से बच्चों को आप रीडिंग करा सकते हैं। 3 रुपीज 3.00, 4 रुपीज 4.00, 5 रुपीज 5.00। तो इस तरीके से आप इनको टेबल की तरह पूरा लिखवा सकते हैं। 10 रुपीज 25 रुपीज। उसके बाद आता है 1 रुपी एंड 5 पैसे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले सिंबल बनाएंगे फिर 1.05 लिखेंगे, फिर 3 रुपीज एंड 25 पैसे के लिए 3.25 लिखेंगे, 25 रुपीज एंड 50 पैसे 25.50। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बना के बच्चों को बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी रुपीज को डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे मैंने कुछ रुपीज लिखी हुई है, बच्चों को कैसे प्लस करके बताना है वो चीज हम करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे 10 रुपीज लिखा है प्लस 10 रुपीज, तो 10 10 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे बॉक्स में 20 फिल करना है। 20 प्लस 40 कितना होता है 60। 10 पैसे प्लस 20 पैसे 30। 50 माइनस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। 50 माइनस 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। 100 माइनस 40 60। तो इस तरीके से मतलब बच्चों को ये बताना है कि प्लस वैसे ही हम करते हैं, चाहे वो रुपीस हो चाहे वो नंबर हो, प्लस माइनस सेम ऐसे ही किया जाता है। अक्सर बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुपीस है तो कुछ और वैल्यू आएगी, तो वो नहीं होता, सेम ऐसे ही प्लस माइनस होते हैं, बस यहाँ पे सिंबल लग जाता है। उसके बाद आता है, मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई है, जैसे आइसक्रीम है, यहाँ पे रुपीस 10 डिनोट किया है उसको। यहाँ पे जूस है ग्लास का, यहाँ पे 8 पेंसिल रुपीज 1, कैंडल 15, डेयरी मिल्क 15 रुपीज। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स। अब हमें अलग अलग इन सभी आइटम्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आता है 1 पेंसिल प्लस 1 सॉफ्टी। 1 पेंसिल के कितने हैं यहाँ पे 1 रुपीज, 1 सॉफ्टी 10 रुपीज। उसके बाद इनको हमें प्लस करके लिखना है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 कितना हो गया 11। 2 पेंसिल्स प्लस 2 कैंडल, यहाँ पे पहले 2 पेंसिल यानी बच्चे को खुद ही काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया ये, फिर 2 कैंडल्स 15 और 2 यानी 30। 15 को 2 टाइम्स वो प्लस करेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल 32। 2 ग्लास जूस एंड 1 सॉफ्टी। ग्लास जूस कितना है 2 है,
8 रुपीस मींस 16, 1 softy 10, then 26. 3 candles means 15, 15 को वो 3 times plus करे पहले, 45, then 1 dairy milk 15 rupees, 45 plus 15 कितना हो गया? 60. तो इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं और उनकी सभी की कॉस्ट यहाँ पर हमें लिखनी है पहले, फिर उसके बाद उनको प्लस करना है. नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट आंसर. इन इंडिया वी यूज, क्या यूज करते हैं? रुपीस. कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल. How many 25 पैसे coins will make a 1 rupee? 25 पैसे से कितनी रुपी बनती है? तो 4 पैसे, 4 25 पैसे हम जोड़े हमारा 1 रुपी बनता है. Standard unit of Indian currency is, क्या होती है? रुपी. Currency notes are made of, किसके बने होते हैं? Paper. तो बच्चों को इस तरीके से आप multiple choice देकर learn करा सकते हैं. तो ये बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल देके बताया मनी के बारे में कि किस तरीके से हम बच्चों को मनी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो.